Centuro ST 180 55 ZR 17 8.5 lakhs. What's up guys, this is Vikram Rider, welcome back to my channel again. और आज जो है मेरी महाराष्ट्र राइड की प्लानिंग शुरू हो गई है. एक्चुअली मैंने मैप प्लान बना लिया है और जैसा कि मैंने स्टोरीज में अपडेट किया है कि कहां कहां से मैं बैंगलोर से स्टार्ट करूंगा और कहां क्या एरिया कवर करने वाला हूं महाराष्ट्र का. द मेन रीज़न ऑफ दिस राइड इज़ कि मैं महाराष्ट्र में जो आंबे वैली में IBW इवेंट होने वाला है 2021 का, वो अटेंड करने जा रहा हूँ. और महाराष्ट्र राइड से पहले मेरे को Z800 में थोड़े बहुत काम कराने हैं. एक है इसका रियर टायर जो कि मतलब ऑलमोस्ट जाने वाला है क्योंकि इसमें डनलप था और डनलप 180 55 आर 17 था जो कि अभी करेंटली कंडीशन ऐसा नहीं है कि इस पर लॉन्ग राइड कर पाओ. तो अभी लगाएंगे जाके नंबर प्लेट एंड उसके बाद में जाके करवाना है टायर चेंज. तो दिस इज़ गुड कि जो भी काम है अपना आसपास वाली शॉप से ही हो गया, ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा. ज़्यादा दूर जाना पड़ता है तो टाइम वेस्ट भी होता है एंड ऊपर से जिस दिन ऑफिस वर्क चल रहा होता है साथ में उस दिन बहुत मुश्किल हो जाता है. अभी यहाँ से जाना है मेरे को टायर चेंज कराने के लिए. तो टायर चेंज कराने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा थोड़ा सा मेन रोड पे. तो किसी को अपनी गाड़ी पसंद आ गई. आ गया क्या वो टायर? आई ऑर्डर्ड दैट. तो ये वाला अपना टायर है वर्डस्टियन टायर्स 180 55 17. बाइक का टायर का कंडीशन कुछ ऐसा हो चुका है. घूम रहा है. और ये रही अपनी मार्किंग, बस बर्नआउट की ऑन Z800. मज़ा आ गया. अभी ऐसा है कि अब नया वाला टायर लगवाएंगे. नया वाला टायर का ये सीन है कि अभी मैं लगवा रहा हूँ मेडिस्टियन जो कि अपोलो का ही है मतलब, और काफ़ी अच्छा है मतलब उसका रिव्यूज़ मतलब मैंने पढ़ा काफ़ी जगह एंड इवन लाइक W रेटिंग है तो अप टू 300 किलोमीटर्स उसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा जाता है. रिस्पांस अभी नहीं पता है क्योंकि काफ़ी जगह से फीडबैक नहीं मिला है. अभी देखेंगे Z800 पे कैसा चलता है लॉन्ग टूर मतलब हाईवे टूर्स के लिए कैसा है, उसके बाद में बताऊंगा आप लोगों की मतलब ओवरऑल जो है टायर का कंडीशन और कैसा होता है. तो ये वाला अभी अपना टायर निकल चुका है पुराना वाला, इसके तो हाल बहुत ही बेकार थे. इस वाले टायर में तो बिल्कुल क्रैक पड़ गए और क्या हाल हो रखा है इसका.
सो दिस इज़ वेडिस्टिन सेंट्योरो एसटी 180/55 ZR17 और 73 W रेटिंग है इसका। 3 ईयर्स का मैन्युफैक्चरिंग वारंटी है। तो ओवरऑल जो क्वालिटी है इसका, मतलब टायर का ग्रिपिंग एंड दैट इज़ वेरी गुड, चला के पता लगेगा। तो अभी अपना टायर का काम हो चुका है और दोनों टायर न्यू, तो ड्राइव करने में मज़ा आ जाएगा। अब यहाँ से निकलते हैं बाइक। सो अभी अपने को जो वन डिज़ाइन का टैंक पैड है, एक ये वाला पसंद है तो एक ये लगवा सकते हैं, यहाँ पे ही अच्छा जाएगा। बट अभी Z800 का जो साइड ग्रिप्स है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो ट्राई कर रहे हैं अगर कोई सा कंपेटेबल मिल जाता है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके अलावा जो वाइज़र देखने आए थे, वाइज़र दे हैव द सेम वन, तो उसको लगा के कुछ फ़ायदा नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें और कुछ अभी मॉड्स अवेलेबल नहीं है। टेल टीडी है बट टेल टीडी आई डोंट वॉन्ट। अपने को ये मिला है यहाँ पे XOR का वाइज़र, ये वाला है एपेक्स वाइज़र इरिडियम ब्लू, और इसका प्राइस पड़ेगा मेरे को 950 MRP लिखा हुआ है। सो आई एम गोइंग टू गेट दिस वन, क्योंकि मैंने आदिश्वर में चेक किया था, सो दे वर सेलिंग इट फॉर 1200, तो यहाँ पे अच्छा डील मिल गया। अभी अपना टैंक पैड फिट होगा क्योंकि मस्ट है। तो दिस इज़ द टैंक ग्रिप और 1D 1 डिज़ाइन का है। दिस आर रियली रियली गुड, क्योंकि मतलब इसमें ग्रिपिंग प्रॉपर है और यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इसको फिट करा देते हैं अभी।